नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज चालू करने जा रहे हैं। रेलवे 2020 में जो एग्जाम्स होने वाली है उसके लिए हम एक फाइनल पेपर की एक सीरीज चालू करने वाले हैं। फाइनल पेपर, ये बहुत ही स्टूडेंट्स ने हमसे डिमांड की थी कि सर फाइनल पेपर चलाइए, तो फाइनल पेपर की हम आज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको टोटल टॉप 4000 क्वेश्चन, मतलब टॉप 4000 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, 4000 एमसीक्यू। आज का हमारा पहला वीडियो है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस भी बच्चे ने ये 4000 प्रश्न देख लिए वो उसको मतलब कहीं से भी किसी भी अन्य YouTube चैनल से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन 4000 प्रश्नों को मैं आज बताऊंगा कि इसमें कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट से रहेंगे और किस किताब से ये 4000 प्रश्न लिए गए हैं, क्योंकि जिसके अंतर्गत हम 4000 प्रश्न में आपको बता दूँ तीन सेक्शन में डिवाइड हैं, GK, GS और करंट अफेयर्स। अब ये करंट अफेयर्स कहाँ से लिया गया है, जनरल साइंस कहाँ से लिया गया है और GK के क्वेश्चन कहाँ से लिए गए, ये डिस्कस करेंगे। और 4000 प्रश्न के सिवा अगर आपको कहीं से और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर इनको पढ़ लिए तो ये मान लिए कि 40 में से आपको 35 प्लस मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए। तो चलिए, आज का हमारा सबसे पहला वीडियो है ये वाला, इस फाइनल पेपर सीरीज का। इसलिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये सीरीज कैसे चलेगी, और इस वीडियो के आखिरी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि 4000 क्वेश्चंस की PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है। एक ही बार में आप सभी 4000 क्वेश्चन की PDF आपको कैसे मिलेगी ये भी हम बताएंगे, साथ साथ ये भी बताएंगे कि आपको रेलवे NTPC और ग्रुप डी की परीक्षा जो 2020 में होने वाली है उसमें सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका बहुत ही मूल मंत्र भी बताएंगे हम इस वीडियो में। इसलिए पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए। सबसे पहली चीज़ कि जो 4000 क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएंगे, देखिए तो इसके अंतर्गत हमने लिए हैं 40% क्वेश्चन लिए हमने साइंस से लिए, 30% क्वेश्चन लिए हमने GK से लिए और 30% ही क्वेश्चन हमने लिए हैं करंट अफेयर्स से। ये हमने एक रेशो डिवाइड कर लिया है, हमने अभी पिछले 4 साल के पेपर का एनालिसिस किया है रेलवे के, तो उसमें पाया है कि इसी रेशो में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमने 40% क्वेश्चन लिए हैं साइंस के, मतलब ये मान लीजिए कि आपके एग्जाम में जो 4000 क्वेश्चन, आपके जो ये सीरीज में 4000 क्वेश्चन होंगे उसके अंतर्गत इसमें 1600 क्वेश्चन साइंस के होंगे, 30% GK के। GK मतलब होता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके हमने 1200 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, और 30% क्वेश्चन करंट अफेयर जो कि लास्ट 1 ईयर का है उसके अंतर्गत भी हमने 1200 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। अब ये मैं आपको बता दूं कि जो साइंस के जो 1600 क्वेश्चन हैं उसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, GK के अंतर्गत लिए हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स और अन्य। करंट अफेयर्स के हमने लिए हैं कि जो कि जितने भी घटनाएं एक साल के अंतर्गत घटित हुई हैं, जो भी न्यूज़ में रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स, उनसे लिए हैं। इस प्रकार हमने टोटल 4000 प्रश्न कलेक्ट कर लिए हैं। इन 4000 प्रश्नों को पढ़ लिया तो आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरे डंके की चोट पर कह रहे हैं हम कि आपसे गारंटी ले रहे हैं कि अगर आप एग्ज़ाम दे के आइए फिर देखिए कि इन 4000 क्वेश्चन में से, यकीन मानिए, 30 से 35 प्रश्न आराम से आपके एग्जाम में आ जाएंगे 40 में से, तो आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। रही बात कि ये किन किताबों से लिए गए, तो मैं आपको बता दूं कि जो साइंस के क्वेश्चन है ये हमने लिए हैं NCERT, ल्यूसेंट एंड स्पीडी, ये तीन बुकों को कवर किया गया है, NCERT, ल्यूसेंट और स्पीडी। इसके अतिरिक्त हमने प्रीवियस ईयर जितने भी साइंस के क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पूछे गए रेलवे की एग्जाम में, वो भी इसके अंतर्गत इन 1600 प्रश्नों के अंतर्गत लिए हैं। रही बात GK की, तो GK को हमने कवर किया है, देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इसके अंतर्गत हमने ल्यूसेंट और स्पीडी से कवर किए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि इससे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन लिए हैं प्रीवियस ईयर पेपर से, तो ये वाला टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स की बात करें तो हमने लिया है प्रतियोगिता दर्पण, जो हमारी PD आती है, वार्षिक प्रतियोगिता दर्पण आती है, उससे हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं समसामयिकी। इस प्रकार आपके 4000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब रही बात PDF की, तो मैं PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है इन 4000 क्वेश्चन का, एक और चीज़ बता देता हूँ कि 4000 क्वेश्चन हम आपको टोटल 100 वीडियो बनाएंगे, आपको टोटल 100 वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, हर वीडियो के अंतर्गत 40 क्वेश्चन रहेंगे। 40 क्वेश्चन में भी हमने हो सकता है आपको कि कुछ क्वेश्चन ज़्यादा मिले, कुछ क्वेश्चन कम मिले साइंस, GK, करंट अफेयर्स के, लेकिन इन द एंड जब आखिरी में आप देखेंगे तो 4000 क्वेश्चन जब हम आपको देंगे तो रेशो यही रहेगा, 1600 1200 1200। 40 क्वेश्चन में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन कम आ जाए, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम आ जाए, GK के ज़्यादा आ जाए, साइंस के ज़्यादा आ जाए, कम आ जाए, चलेगा, लेकिन आखिरी में बराबर आपका रेशो यही बैठेगा।
40 क्वेश्चन रहेंगे हर वीडियो में, और इस प्रकार 100 वीडियो होंगे, और ये जो 100 वीडियो है ये हम आपको 30 से 40 दिन मतलब एक महीने के अंतर्गत कंप्लीट करा देंगे। इसलिए आप एक महीने तक इस सीरीज को याद रखिए। ये जो रेलवे 2020 की परीक्षाएं होने वाली है एनटीपीसी ग्रुप डी, उसके लिए जो फाइनल पेपर की सीरीज चल रही है उसको एकदम ध्यान में बिठा लीजिए इस थंबनेल को, जिसके अंतर्गत हमने लिए 40% साइंस, 30% जीके और 30% करंट अफेयर्स। आपने इसको फॉलो कर लिया, इन 100 वीडियो को फॉलो कर लिया, तो 4000 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएंगे, साथ साथ आपके एग्जाम में आसानी से आप 40 में से 35 प्लस मार्क्स आप हंसते हंसते ले आएंगे। मतलब आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन तो वहां पर मैंने पढ़ा था। आप बताइएगा एग्जाम देने के बाद कि कितने क्वेश्चन इन 4000 क्वेश्चन से आए। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, और साथ साथ आखिरी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी बताऊंगा मैं आपको, इसलिए पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक फॉलो कर लिए। तो चलिए आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है, ये सीरीज अच्छी लग रही है, हमारा ये नया इनिशिएटिव अच्छी लग रहा है, तो आप एक लाइक सभी स्टूडेंट फटाफट कर दीजिएगा और शेयर इसको ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लाइक और शेयर होंगे, हम उतने ही जल्दी फोकस करेंगे इस सीरीज़ को कम्प्लीट करने पर। जो हमारे 4000 क्वेश्चन है, जो हमारे 40x100 की एक सीरीज चल रही है, उसको हम जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट एक महीने के अंदर मतलब 30 दिन के अंदर कंप्लीट करा देंगे, जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे। इसलिए आप मैक्सिमम लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो खत्म होने पर शेयर कीजिए। एक और चीज़ बता दूं कि जितने भी सीरीज के वीडियो आएंगे, मेरे साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। अभी तक बहुत कम स्टूडेंट देते हैं। देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर क्यों देना चाहिए, अगर आपको आंसर पता है, नहीं पता है तब भी आप दीजिए। अगर नहीं पता है, जब मैं आज का आंसर बताऊंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में वैसा कैसा आंसर लिखिए, वीडियो को पॉज करके आंसर लिखिए, जिससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर, आप कभी भी नहीं बोलेंगे। इसलिए आपको पता हो आंसर या ना पता हो, आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें, और उस क्वेश्चन का आंसर जब मैं बता दूं तो भी लिखें आप उसको। वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है 4000 क्वेश्चन, कहीं से भी आपको किसी भी चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है। जीके जीएस और करंट अफेयर्स यहां से पढ़ लिया तो आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, साइंस भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, और जनरल नॉलेज भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टॉप बुक्स से हमने कलेक्ट किए हैं, टॉप पब्लिकेशन से हमने ये क्वेश्चन कलेक्ट किए। तो चलिए आज हमारा पहला वीडियो था, इसलिए हमको समझाना जरूरी था, आपको सब चीज़ समझा दी है। डेली फॉलो कीजिएगा इस वीडियो को, डेली 2 से 3 में कोशिश करूंगा कि 2 से 3 इस सीरीज के वीडियो आपको दूँ, क्योंकि हमको 30 दिन में ये कंप्लीट करना है। तो चलिए आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का पूछा गया है कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ पर सर्वाधिक होता है। तो चलिए सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। जो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहां पर सर्वाधिक होता है, तो यह होता है छोटी आंत में। मेरे साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साइंस बायोलॉजी का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? आपको बताना है कि वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा व सोन। नर्मदा व सोन ऐसी दो प्रमुख नदियां हैं जो अमरकंटक पठार से तो निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो इसका सही उत्तर को दोस्तों जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मखली घोसाल। मखली घोसाल जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव डालता है? तो क्या प्रभाव डालता है बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में। इसका सही तो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तित करता है। ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। तो बढ़ा देता है, घटा देता है, कुछ भी कर सकता है, परिवर्तित कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। आपको बताना है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता किस महासागर में पाई जाती है, किस लेक में पाई जाती है? उसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वॉन झील में। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वॉन झील है। जो चार ऑप्शन देखे इसमें कौन सा है इसका सही उत्तर वॉन झील। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीरा है, आपको बताना है कि हीरा क्या होता है, क्या होता है हीरा? फटाफट बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में। क्या होता है? तत्व होता है या फिर यौगिक होता है या फिर मिश्रण होता है या फिर तरल होता है? तो हीरा किसकी श्रेणी में आता है? हीरा एक तत्व की श्रेणी में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हीरा एक तत्व की श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चों का संभावित रक्त वर्ग क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस बायोलॉजी का। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग मतलब ब्लड ग्रुप
ए बी और दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चों का संभावित रक्त वर्ग क्या होगा? तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ए या बी, क्या होगा? ए या बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध बिरहा गायक का क्या नाम है जिन्हें बिरहा सम्राट भी कहा जाता था? इनका हाल ही में निधन हो गया है, आपको बताना है जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध बिरहा गायक उनका क्या नाम है जिन्हें बिरहा सम्राट भी कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरालाल यादव। क्या नाम है उनका? हीरालाल यादव नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस बायोलॉजी का, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पोमोलॉजी। देखिए फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पोमोलॉजी कहा जाता है, साइंस बायोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 बिल्कुल सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 यह भी बिल्कुल सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 बिल्कुल सही है। चतुर्थ का जो दे रखा है टाइम वो बिल्कुल गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? आपको बताना है कि इनमें से कोयला क्षेत्रों में से किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? सभी स्टूडेंट बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका सही तो देख लेते हैं। इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, झरिया। देखिए झरिया जो कोयला क्षेत्र है उसके कोयला भंडार सर्वाधिक मात्रा में, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम मानसून। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की श्रेणी में आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न होती है तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है? जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न होती है तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विषमांग उत्प्रेरक। क्या कहलाता है? तो उत्प्रेरक विषमांग उत्प्रेरक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? आपको बताना है उस पंचवर्षीय योजना का नाम बताना है जिसने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य उद्देश्य हो गया था विकास से हटकर प्रतिरक्षा, इसका मुख्य उद्देश्य हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। आपको बताना कि इनमें से कौन सी फसल नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए गन्ना, कपास, जूट, ये तीनों ही नगदी फसल में सम्मिलित है, मतलब नगदी फसलों के अंतर्गत आती है तीनों ही फसलें, जबकि गेहूं नहीं आता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, गेहूं नगदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लिख देंगे, अगर आपको नहीं भी पता होता तो आप लिख दीजिए अनुच्छेद 63। याद रखिएगा अनुच्छेद 63 के अंतर्गत ही संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? आपको बताना कि जो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो कौन सा अनुच्छेद लगाता है बताएंगे सभी स्टूडेंट्स? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। कौन सा लगाता है? अनुच्छेद 14, जो कि विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में अनुच्छेद 14, जिससे कि आपको याद रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कील। जो कील नहर है वो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सभी स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। भारत पाक
बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? आपको बताना है इनमें से किस नदी पर स्थित है भारतबाग बगलिहार परियोजना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी। किस नदी पर स्थित है? भारतबाग बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक रबड़ का वल्कीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? प्राकृतिक रबड़ का वल्कीकरण करने के लिए इनमें से कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंधक के साथ गर्म करना। कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? गंधक के साथ गर्म करना प्राकृतिक रबड़ का वल्कीकरण करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सभी स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक कौन है? आपको बताने में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है? तो सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? आपको बताना है इनमें से भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बैरन एवं नारकोडम। बैरन एवं नारकोडम भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देना है। आपको बताना है कि जो भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए, निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को, उदारीकरण नीति को, ये तीनों के अंतर्गत आता है। मतलब उपरोक्त तो सभी नीतियों के अंतर्गत आता है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना या फिर बढ़ावा देना। निजीकरण नीति, वैश्वीकरण नीति और उदारीकरण नीति तीनों के अंतर्गत आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी, सभी स्टूडेंट्स याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई का कितना प्रतिशत भाग विद्युतकृत है? आपको बताना है कि जो भारतीय रेल की कुल मार्ग की लंबाई है उसका कितना परसेंट भाग विद्युतीकृत है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 33.66%। कितना प्रतिशत भाग? 33.66% भारतीय रेल की कुल मार्ग की लंबाई का 33.66% भाग विद्युतीकृत है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं होती है उसको अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था इनमें से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है वो भारत में जितनी भी पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का, कि संविधान के किस भाग में अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाग 21 में है। किसमें है याद रखिएगा, भाग 21 में है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आपको बताना है विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। जो कनाडा है वो विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखते चलेगा, याद होते चलेंगे आपको साथ साथ क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट है 4000 क्वेश्चन, सभी एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है केरल से तमिलनाडु को। किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल एवं तमिलनाडु को जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? आपको बताना है कि किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज तथा प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 1/10 सेकेंड से अधिक होना चाहिए किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल 1/10 सेकेंड से अधिक होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है? आपको बताना है सेतु समुद्रम जो परियोजना है जिन्हें जोड़ती है वे हैं। तो आपको बताना है कि किन्हें जोड़ती है सेतु समुद्रम परियोजना? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। सॉरी, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ती है सेतु समुद्रम परियोजना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक फेदम बराबर होता है, आपको बताना कि एक फेदम किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1.80 किलोमीटर के बराबर होता है। याद रखिएगा, एक फेदम इक्वल टू 1.80 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने फिटबिट का अधिग्रहण कर लिया? आपको बताना कि हाल ही में नवम्बर 2019 में किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने फिटबिट का अधिग्रहण
कर लिया है, एक्वायर कर लिया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गूगल। देखिए गूगल ने हाल ही में नवंबर 2019 में फिटबिट जो कंपनी थी उसका अधिग्रहण, उसको एक्वायर कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ताइवान की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी, करंट अफेयर्स का। हाल ही में ताइवान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सू त्सेंग चांग। देखिए हाल ही में जो ताइवान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो सू त्सेंग चांग ने ली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनवरी 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर की लंबाई कितनी है। आपको बताना है स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 168 किलोमीटर। याद रखिए स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, तो 168 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में हुए आम चुनावों के दौरान वह विश्व का सबसे अधिक ऑनलाइन वोटिंग करने वाला देश बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश में हुए आम चुनाव के दौरान वह विश्व का सबसे अधिक ऑनलाइन वोटिंग करने वाला देश भी बन गया है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एस्टोनिया। याद रखिए एस्टोनिया एक ऐसा देश है जहां पर आम चुनाव के दौरान विश्व का सबसे अधिक ऑनलाइन वोटिंग हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, मिसिसिपी और मिसौरी है। आपको बताना कि मिसिसिपी और मिसौरी क्या है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दो नदियों और दो राज्यों के नाम है। क्या है, मिसिसिपी और मिसौरी नाम की नदियां भी हैं और राज्य भी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल ही में किस देश के हॉकी टीम को हराकर ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। तो आपको बताना है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल ही में किस देश की हॉकी टीम को हराया है और ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है, तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए जापान। किसको हराया है, जापान को हराया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब तुल्य समतुल्य है। आपको बताना है कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है, तो किसके समतुल्य होता है, तो याद रखिएगा 0.1 bar के समतुल्य होता है। किसके समतुल्य होता है, 0.1 bar के समतुल्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पोर्टल अभी भारत सरकार ने लॉन्च किया है ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रकाश। कौन से नाम का पोर्टल लॉन्च किया है भारत सरकार ने, याद रखिएगा प्रकाश नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए। तो दोस्तों आज हमारा पहले नंबर का जो फाइनल पेपर है रेलवे 2020 की परीक्षाओं के लिए खत्म हो गया है। पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी इसकी, पूरी जितने भी 100 फाइनल पेपर आएंगे 40-40 क्वेश्चन के, इस प्रकार 4000 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आई के बटन पर जोड़ दूंगा। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, लेकिन बात बताने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि इसको शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। रही बात अब जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला था पीडीएफ के बारे में, कि आप पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम एक बार में आपको 4000 क्वेश्चन की पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे, जैसे ही हमारे ये पूरे 90 के समथिंग पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, फाइनल पेपर 90 की, जब 91 से हमारी जब सीरीज चलेगी 91 से 100 तक, तब हम आपको पूरी कंप्लीट रिवीजन के लिए पूरे 4000 क्वेश्चन की एक पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। उसकी डाउनलोड लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कब देंगे, जब ये पेपर पूरे फाइनल पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, 100 वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम आपको एक पूरी कंप्लीट पीडीएफ दे देंगे, जिससे कि आप एग्जाम के टाइम इन क्वेश्चंस का रिवीजन कर पाएं। तो आपको सीरीज कंप्लीट होने पे पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। रही बात 4000 क्वेश्चन की, तो आपको इन क्वेश्चन के अलावा कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कमेंट बॉक्स में एक चीज़ जरूर लिखिए आप, कि आपको ये हमारी नई सीरीज़ कैसी लगी, साथ साथ 40 में से जितने भी मार्क्स आए, और अपने आरआरबी जोन का नाम जरूर लिखिए, जिससे पता पड़े कि हमारे स्टूडेंट कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनके लिए और उस तरह की जो जोन है उन जोन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन उनके जोन में पूछे गए थे पिछले 4 से 5 सालों में, वो हम कवर करेंगे। इसी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत लंबी सीरीज़ है ये, 1 महीने चलने वाली है, और इस तरह की और वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन जरूर दबा के रखें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आई के बटन से आप हमारे सारे प्लेलिस्ट प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे हम आई बटन पर जोड़ते जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।